चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। उत्तरी जापान के फुकुशिमा तट पर बुधवार रात को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने आज गुरुवार सुबह संसद के एक सत्र में कहा कि भूकंप के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 97 अन्य घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां एक बुलेट ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। स्थानीय समय अनुसार बुधवार रात 11:36 पर आए भूकंप का केंद्र समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई में था। यह क्षेत्र उत्तरी जापान का हिस्सा है जो 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप और सुनामी से तबाह हो गया था। देश में कोरोना के खिलाफ जंग और तेज हो गई है। देश में कल से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण भी शुरू हो गए हैं। इसके चलते पहले दिन इस आयु वर्ग के 23,000 से ज्यादा बच्चों को कोविड-19 रोधी कोर्बेवैक्स टीके की पहली खुराक दी गई। कोविन ऐप के मुताबिक इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान ने अपराह 3 बजे गति पकड़ी और रात 9 बजे तक 12 से 14 आयु वर्ग के 23,457 बच्चों को टीके की खुराक दी गई। इस आयु वर्ग के बच्चों को बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित टीके कोविवैक्स की 2 खुराक 28 दिन के अंतर पर दी जानी है। पंजाब की 16वीं विधानसभा का सत्र 17 मार्च यानी कि आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 22 मार्च तक होगा। इस दौरान नए विधायकों की तरफ से आज शपथ लेने का दिन है। नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर निज्जर शपथ दिला रहे हैं। सेशन के पहले दिन सदन 11 बजे शुरू हो गया जबकि 18, 19 और 20 मार्च को छुट्टी होने के कारण कोई बैठक नहीं होगी। 21 मार्च को सुबह 11 बजे की बैठक के दौरान विधायकों की तरफ से स्पीकर चुना जाएगा और 12 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का भाषण होगा। 22 मार्च की बैठक में श्रद्धांजलि होगी और उसके बाद राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद संकल्प पर सदन में चर्चा होगी। साथ ही सरकार की तरफ से बजट अनुमान और वोट ऑन अकाउंट पर भी पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी कार्यालयों में शहीद आजम सरदार भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए थे। इन आदेशों का पालन स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी किया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब सीएम भगवंत मान ने अपना पदभार संभाला तो उससे पहले ही शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लगी दिखाई दी। भगवंत मान ने पंजाब के लोगों से अपील की थी कि उन्हें हरे रंग का पहन दिया जाए ताकि वे पंजाब के लोगों के लिए अच्छे काम कर सके। पंजाब की जनता ने प्रचंड जीत दिलाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। सीएम भगवंत मान ने कार्यालय में हरे पेन से साक्षर कर पदभार ग्रहण किया और शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का पंजाब बनाने का कार्य शुरू किया। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। इस दौरान भगवंत मान की माता हरपाल कौर भी वहां मौजूद थी जिन्होंने शहीदों की धरती को सबसे पहले नमन किया। भगवंत मान की माता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और लोगों ने भी उनकी माता को सलाम किया है जिन्होंने भगवंत मान जैसे बेटे को जन्म दिया। दरअसल भगवंत मान की माता शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखट कला की पवित्र मिट्टी अपने साथ लेकर गई हैं। हरपाल कौर ने बाद में एक लिफाफे में शहीदों की धरती की मिट्टी को लेकर रखा और उसके बाद वह उसे अपने साथ ले गई। हरपाल कौर इस पवित्र मिट्टी को अपने घर में रखेंगी ताकि परिवार को शहीदों के जीवन से सदा प्रेरणा मिलती रहे। श्रीनगर हवाई अड्डे से कल गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ान ने 108 यात्रियों के लिए शारजा के लिए उड़ान भरी और इसी के साथ यहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा फिर से बहाल हो गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक बयान में कहा गया कि श्रीनगर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन के उद्घाटन के बाद यह पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी है। उल्लेखनीय है कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल सुविधाओं का उद्घाटन 11 मार्च को किया गया था जिससे निर्यातकों को काफी सुविधा होगी। अब नियमित रूप से हर मंगलवार और बुधवार को 7:45 पर उड़ान भरने वाला यह विमान अधिकतम 3 टन माल शारजा तक ले जाने में सक्षम है। बयान में कहा गया कि हमारे औद्योगिक कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हम कश्मीर के सभी व्यापारी घरानों और निर्यातकों से इस सुविधा का पूरा उपयोग करने का आह्वान करते हैं। भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। अब योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। कार्यक्रम का आयोजन इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 45,000 लोगों के शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव,
मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश भर के उन लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से चुनाव पूर्व घोषित संकल्प पत्र में किए गए वायदों पर अमल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही संकल्प पत्र में किए गए वायदों पर काम करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही गरीबों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इसके करीब 1 करोड़ पेंशनधारियों को लाभ पहुंचेगा। बीजेपी सरकार अब इन पेंशनधारियों को 100 रुपए की बजाय 1500 रुपए प्रति महीने पेंशन देगी। इसके लिए सरकार हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए भी रकम बढ़ाई जाएगी। अभी 51,000 रुपए की बजाय 1,00,000 रुपए खर्च करने की तैयारी है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसकी कुल संख्या तकरीबन 1 करोड़ है। भाजपा यदि मासिक पेंशन राशि में वृद्धि करने के वादे पर अमल करती है तो इन सबको इसका सीधा फायदा होगा। इस बार होली, जुमे की नमाज और शबे बारात एक ही दिन है। ऐसे में मौके की नजाकत को देखते हुए लखनऊ की 22 मस्जिदों में जुमे की नमाज देर से पढ़ी जाएगी। इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुस्लिम समुदाय के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर जुमे की नमाज और खुतबा दोपहर 12:30 पर पढ़ा जाता है, लेकिन इस बार होली के चलते ज्यादातर मस्जिदों में नमाज 1:30 पर पढ़ी जाएगी। साथ ही मुस्लिमों से सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए उन्हें सलाह दी है कि वे अपने पड़ोस की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।